कनाडा को शिकस्त देने के बाद भी कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान की पूरी टीम बदल के रख दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के इंतहाई अहम मैच के लिए कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। वहीं पर दोस्तों शादाब खान, इमाद वसीम जैसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं पर दोस्तों अबरार अहमद, इफ्तिखार अहमद जैसे खिलाड़ियों की वापसी कराते हुए ऐसी खूनखार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसे देखकर आयरलैंड टीम के भी परखच्चे उड़ चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान की आयरलैंड के खिलाफ कौन सी फाइनल प्लेइंग 11 रहने वाली है और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मैच और इंतहाई अहम मैच जो पाकिस्तान के लिए है वो कब कहां पर खेला जाएगा और आप इसे कैसे बिल्कुल फ्री में मोबाइल पर टेलीकास्ट कर सकते हैं, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। तो दोस्तों उससे पहले प्लीज यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान की टीम ने पिछले मैच के अंदर कनाडा की टीम को 7 विकेट से शिकस्त दे डाली है, वहीं पर दोस्तों अब भी पाकिस्तान की टीम इस टाइम T20 वर्ल्ड कप 2024 के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अगर तो पाकिस्तान की टीम इस T20 मैच के अंदर आयरलैंड को जबरदस्त तरीके से और अच्छे मार्जिन से शिकस्त दे देती है तो पाकिस्तान की टीम आसानी के साथ क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन दोस्तों USA को अपने 2 मैचेस भी हारना जरूरी है अगर पाकिस्तान टीम को क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मैच 16 जून को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:30 बजे शाम को खेला जाएगा। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान ये T20 वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मैच फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस मैच को बिल्कुल फ्री में मोबाइल पर टेलीकास्ट करना चाहते हैं तो आप तमाशा ऐप पर बिल्कुल फ्री में मोबाइल पर टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा मैच कब कहां पर खेला जाएगा और आप इसे कैसे बिल्कुल फ्री में मोबाइल पर टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं पाकिस्तान टीम की फाइनल प्लेइंग 11 बता देता हूं जो कप्तान बाबर आजम ने अनाउंस कर दी है। उससे पहले दोस्तों मैं आयरलैंड टीम की भी कंफर्म प्लेइंग 11 आपको बता देता हूं। आयरलैंड की तरफ से पहले नंबर पर आपको एंड्रयू बिलबर्नी खेलते हुए नजर आ जाएंगे, वहीं पर उसके साथ दूसरे नंबर पर कप्तान आपको पॉल स्टीरलिंग खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आपको लोरकन ट्यूकर भी खेलते हुए नजर आ जाएंगे, वहीं पर चौथे नंबर पर आपको हैरी टेक्टर खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से पांचवें नंबर पर आपको कर्टिस कैम्फर भी खेलते हुए नजर आ जाएंगे, छठे नंबर पर आपको जॉर्ड डोक्रेल भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं, वहीं पर सातवें नंबर पर आपको गारिथ डिलानी खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इसी तरीके से आठवें नंबर पर आपको मार्क एडेयर भी खेलते हुए नजर आ जाएंगे, वहीं पर नौवें नंबर पर आपको बैरी एमसी खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जबकि दसवें नंबर पर आपको जोश लिटल भी खेलते हुए नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों वहीं पर 11वें और लास्ट नंबर पर आपको क्रैग यंग खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली आयरलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल प्लेइंग 11 ये रहने वाली है जो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों आखिरकार कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान की कौन सी खूनखार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, चलें आपको बता देते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से पहले नंबर पर आपको मोहम्मद रिजवान खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने पिछले मैच के अंदर 53 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी जिसकी इनिंग में दोस्तों 1 छक्का और 2 चौके शामिल थे। मोहम्मद रिजवान इस वर्ल्ड कप में अपने फॉर्म को वापस ला चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ भी 50 या सेंचुरी बनाकर ही पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। तो दोस्तों वहीं पर आपको दूसरे नंबर पर सैम अयूब खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सैम अयूब ने पिछले मैच के अंदर सिर्फ 6 रन की इनिंग खेली थी, लेकिन दोस्तों ओपनिंग के तौर पर कोई जबरदस्त बैट्समैन इस टाइम पाकिस्तान के पास मौजूद भी नहीं है जो पाकिस्तान टीम इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर खिला ले। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान के साथ आपको सैम अयूब भी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों सैम अयूब इस मैच के अंदर चौकों छक्कों की बरसात करके पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। तो दोस्तों वहीं पर आपको तीसरे नंबर पर कप्तान बाबर आजम खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बाबर आजम ने पिछले मैच के अंदर 33 रन की जबरदस्त इनिंग खेली थी जिसकी इनिंग में दोस्तों 1 छक्का और 1 चौका शामिल था। बाबर आजम दोस्तों बहुत ही जबरदस्त किस्म की इस टाइम फॉर्म में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ भी बाबर आजम 50 या सेंचुरी बनाकर ही पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। तो दोस्तों वहीं पर आपको चौथे नंबर पर फखर जमान खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, फखर जमान पिछले मैच के अंदर सिर्फ 4 रन की इनिंग खेल सके थे, लेकिन दोस्तों फखर जमान ओवरऑल 4 नंबर पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस टाइम सेट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों फखर जमान आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ 50 या सेंचुरी बनाकर ही पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। तो दोस्तों वहीं पर आपको पांचवें नंबर पर उस्मान खान खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, उस्मान खान बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैट्समैन है जिसने दोस्तों पिछले मैच के अंदर 2 रन की इनिंग खेली थी और मैच भी पाकिस्तान की टीम जीत गई थी। तो दोस्तों अब भी उस्मान खान से उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से चौकों छक्कों की बौछार लगाकर पाकिस्तान टीम को आयरलैंड के खिलाफ जितवाएगा। तो दोस्तों वहीं पर आपको छठे नंबर पर इफ्तिखार अहमद खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको छठे नंबर पर इफ्तिखार अहमद ही खेलते हुए नजर आएंगे क्योंकि दोस्तों शादाब खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दोस्तों इफ्तिखार अहमद बहुत ही जबरदस्त किस्म का बैट्समैन है, फिनिशर के तौर पर पाकिस्तान टीम में अपना रोल अदा करता है, जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करा लेता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इफ्तिखार अहमद जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग करके आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। दोस्तों वहीं पर आपको सातवें नंबर पर अबरार अहमद खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अबरार अहमद एक मिस्ट्री टाइप स्पिनर है जो अपनी कैरम बोल और गुगली का जादू दिखाएगा। इमाद वसीम दोस्तों आपको ये मैच
खेलता हुआ नहीं नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों इमाद वसीम साइड स्ट्रेन की वजह से और पसलियों की तकलीफ की वजह से इस मैच से बाहर हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों अबरार अहमद अपनी स्पिन बॉलिंग के जरिए जबरदस्त तरीके से 3 या 4 विकेट लेकर ही पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। तो दोस्तों वहीं पर आपको 8वें नंबर पर शहीन अफरीदी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शहीन अफरीदी बहुत ही जबरदस्त किस्म का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जिसने दोस्तों पिछले मैच के अंदर भी जबरदस्त बॉलिंग कराई थी। 4 ओवर्स में 21 रन दिए थे और 1 विकेट अपने नाम की थी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों शहीन अफरीदी आयरलैंड के खिलाफ भी 4 या 5 विकेट लेकर ही पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। तो दोस्तों वहीं पर आपको 9वें नंबर पर नसीम शाह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, नसीम शाह बहुत ही जबरदस्त किस्म का राइट आर्म फास्ट बॉलर है, जो अपने इन स्विंग और आउट स्विंग का जादू बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस टाइम दिखा रहा है, जिसने दोस्तों भारत के खिलाफ भी जबरदस्त बॉलिंग कराई थी और कनाडा के खिलाफ भी 4 ओवर्स में 24 रन देकर 1 विकेट अपने नाम की थी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों नसीम शाह भी तबाहकुन बॉलिंग कराकर आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। तो दोस्तों वहीं पर आपको 10वें नंबर पर हारिस रऊफ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हारिस रऊफ बहुत ही जबरदस्त किस्म का राइट आर्म फास्ट बॉलर है, जिसने दोस्तों पिछले मैच के अंदर 4 ओवर्स में 26 रन देकर 2 विकेट अपने नाम की थी। अब भी दोस्तों हारिस रऊफ से उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कराकर आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। तो दोस्तों वहीं पर आपको 11वें और लास्ट नंबर पर मोहम्मद आमिर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद आमिर बहुत ही जबरदस्त किस्म का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, जो बहुत ही जबरदस्त किस्म की इस टाइम फॉर्म में चल रहा है। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ भी जबरदस्त बॉलिंग कराई थी, 2 विकेट अपने नाम की थी। वहीं पर दोस्तों ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा जैसी बड़ी विकेट उसने अपने नाम की थी। तो दोस्तों वहीं पर मोहम्मद आमिर ने कनाडा के खिलाफ भी 4 ओवर्स में 13 रन देकर 2 विकेट अपने नाम की है। 3.25 की अकानवी रेट से दोस्तों बहुत ही जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कराई है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों मोहम्मद आमिर जबरदस्त बॉलिंग कराकर आयरलैंड के खिलाफ भी 4 या 5 विकेट लेकर ही पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। तो दोस्तों फाइनली कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़ी तब्दीलियां करते हुए अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों अब पाकिस्तान की टीम ने कनाडा को 7 विकेट से शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान का इंतहाई अहम मैच आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को खेला जाना है। पाकिस्तान का ये मैच जीतना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत कर क्वालिफाई भी कर सकती है अगले राउंड के लिए। लेकिन दोस्तों यूएसए को आज भारत की टीम भी शिकस्त दे दे और वहीं पर दोस्तों यूएसए को आयरलैंड भी 14 तारीख को शिकस्त दे दे, तो फिर पाकिस्तान की टीम दोस्तों आसानी के साथ क्वालिफाई को अगले राउंड के लिए कर लेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।